हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी और दही का बहुत ही चटपटा नाश्ता, जिसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगता है। और बिना तेल के बनाया नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा है। बिना किसी झंझट के आप झटपट ये स्नैक्स बनाकर खा सकते हैं। जब भी कुछ चटपटा और सबसे आसान नाश्ता खाने का मन करे तो आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें 2 कप सूजी डालेंगे। ये हमने बारीक वाली सूजी लिया है, आपके पास बारीक मोटी जो भी सूजी हो उसी से आप ये नाश्ता बना सकते हैं। अब इसमें हम 1 कप दही डालेंगे। दही आप कम ज़्यादा कर लें, जितना खट्टा करना चाहें उसी अनुसार डालें। अब इसी में हम 2 कप पानी डालेंगे। अगर दही गाढ़ा है तो 2 कप पानी डालें, अगर दही थोड़ा पतला है तो 2 कप से कम ही पानी डालें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे दही सूजी में अच्छे से मिल जाएं। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी ले लें, उसी से नाप कर सारे इंग्रेडिएंट्स डालें तो सही रहेगा। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब सूजी को फुलाना भी ज़रूरी है। तो इसे हम इसी तरह से 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए, क्योंकि सूजी पानी ज़्यादा सोखता है। तो इसी तरह का बैटर रखें तो सही रहेगा। तो अब इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसे हमने ढक के 10 मिनट रख दिया था और ये देखिए, अब सूजी अच्छे से फूल गया है और ये बैटर काफ़ी सूख भी गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। और 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मिर्च आप कम ज़्यादा कर लें। और अब इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, इससे ये बहुत ही चटपटा बनेगा। 3 हरे मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, इसे डाल देते हैं, मिर्च आप कम ज़्यादा कर लें। 1 बड़े साइज के टमाटर को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी डाल देते हैं। और 1 बड़े साइज के प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देते हैं। इसे थोड़ा और चटपटा करने के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आप इसमें लहसुन अदरक ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका बैटर पतला हो तो इसमें 1-2 टेबल स्पून सूजी और डाल दें, और अगर ज़्यादा थिक हो तो 1 चम्मच पानी डालकर इसे थोड़ा पतला कर लें। अब यहाँ पर हमारा इस तरह का बैटर बना है, इस तरह से गिराने से ये आसानी से गिर जा रहा है। अब हम गैस पर 1 तड़का पैन रखेंगे और इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम 1 पिंच हींग डालेंगे और 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच पीला सरसों, आपके पास जो भी सरसों या राई हो इसमें डाल दें। अब इसे पकने देते हैं, अगर आपके पास करी पत्ते हो तो आप इसमें 7-8 करी लीव्स भी डाल दें तो इससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। इस समय मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और इसे हम गरम गरम ही सूजी वाले बैटर में डाल देते हैं, इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप ऑयल पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे बिना तेल के भी बना सकते हैं, तो इसमें तड़का ना लगाएं, ऐसे ही इसे बना लें। अब इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे सारे बैटर में तड़का अच्छे से मिल जाए। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा और इसमें 1 छोटा चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बनाने से तुरंत पहले ही डालें, अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसमें इनो डाल दें तो अभी नाश्ता अच्छे से फूल जाएगा। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए इस तरह का बैटर बना है। अब यहाँ पर हमने इडली स्टैंड लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और इसी के साथ हमने लिया है अपम पैन, हम 2 तरह का नाश्ता बना रहे हैं तो 1 इडली स्टैंड में बनाएंगे और 1 अप्पे पैन में बनाएंगे। दोनों को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, अब इसमें से थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और इसे इडली मेकर में डाल देंगे। सारे खाने में हम 1.5 से 2 चम्मच बैटर डाल देते हैं। अब यहाँ पर सारे इडली मेकर में हमने सूजी का बैटर डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने इडली स्टैंड में पानी गर्म होने के लिए पहले से रख दिया है, अब इसमें हम इसे रख देते हैं, 1-1 उठा के इसमें डाल देंगे और इसे बंद कर देंगे। और अब इसे इसी तरह से 7-8 मिनट के लिए छोड़ देंगे, गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, 7-8 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो आधा बैटर बचा हुआ है इसे हम अप्पे पैन में डालेंगे, 1-1 टेबल स्पून बैटर इसमें हम डाल देते हैं। और ये देखिए हमने सारे खाने में बैटर डाल दिया है, अब इसे हम गैस पे रखेंगे और इसे ढक के 3-4 मिनट छोड़ देंगे, जिससे ये अच्छे से पक जाए। अब इसे हम ढक के 3-4 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देते हैं और अपना इडली चेक कर लेते हैं। इसे हमने 7-8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया है, अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। और ये देखिए अब ये कितना अच्छे से फूल गया है। अब हम एक नाइफ़ लेंगे
और उसमें डाल के चेक करेंगे। और ये देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन है, यानी इडली अच्छे से पक गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर अप्पे को भी हमने ढक के 2-3 मिनट छोड़ दिया था, अब इसे भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए अब ये अच्छे से पक गया है। तो इसे हम धीरे से दूसरी तरफ पलट देंगे और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे, 2-2, 4-4 बूंद हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसे ढक के 2-3 मिनट और छोड़ देते हैं, जिससे दूसरी तरफ भी अच्छे से पक जाए। इसे हमने ढक के 2-3 मिनट तक कुक कर लिया है और ये देखिए अब अप्पे अच्छे से पक गया है। और ये देखिए ये दोनों तरफ अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर इडली भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, तो हम स्पून से इसे हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करेंगे और इसे हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए दोनों तरफ कितना अच्छे से फूल गया है। इसी तरह से हम सारे इडली निकाल लेंगे। अब ये सूजी का 2 आसान तरह का नाश्ता बनके रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा बना है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आप इसे बनाकर खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया और ये आपको खाने में कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।